स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल हिंदी में। दोस्त आज हम फोर वायर सेलिंग फैन का कनेक्शन करना जानेंगे। किसी फैन में थ्री वायर होता है और किसी फैन में फोर वायर होता है। जब थ्री वायर होता है तो उसमें कैसे कनेक्शन किया जाता है और फोर वायर होता है तो उस वक्त ऐसे कनेक्शन किया जाएगा। तो दोस्त आज हम फोर वायर वाले सेलिंग फैन का कनेक्शन करना जानेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्त हम जानते हैं कोई भी जो हमारा फैन होता है उसमें दो तरह का वाइंडिंग होता है, एक होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक होता है रनिंग वाइंडिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्त ये हमारा स्टेटर हो गया और स्टेटर के जो अंदर वाला आपको दिखाई दे रहा वाइंडिंग ये हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है और बाहर वाला जो वाइंडिंग होता है दोस्त ये हमारा रनिंग वाइंडिंग होता है। तो ये रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग मतलब कैपेसिटर कैसे जोड़ा जाता है और किस तरह से ये रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग और कनेक्शन किया जाता है जिससे हमारा पंखा घूमना स्टार्ट करता है। तो आप देख सकते हैं दोस्त यहाँ पर ये दो रेड कलर का वायर है और दो ब्लैक कलर का वायर है। ठीक उसी प्रकार से दोस्त यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्त जो स्टार्टिंग वाइंडिंग एक यहाँ पे वायर है और एक वायर ऐसे आया है। तो दो हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग का तार हो गया और दो रनिंग वाइंडिंग का भी वायर हो गया, जो एक आप यहाँ पे देख सकते हैं और एक वायर यहाँ पे है। तो कोई भी जो वाइंडिंग होता है दोस्त उसका एक स्टार्टिंग वाला पॉइंट और एक एंड वाला पॉइंट, यानी इस प्रकार से जो भी स्टार्टिंग वाला वाइंडिंग होता है और ठीक इसी प्रकार से एक हमारा रनिंग वाला वाइंडिंग होता है, एक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट एक हमारा एंड पॉइंट। फिर उसी प्रकार से जो हमारा रनिंग वाइंडिंग है इसका भी ये स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया और एंड पॉइंट ये हो गया। तो इस प्रकार से दोस्त चार वायर होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं दोस्त, जो हमारा रनिंग वाइंडिंग होता है रनिंग वाइंडिंग में दो तार निकलता है और दो स्टार्टिंग वाइंडिंग में निकलता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दो जो रेड है दोस्त ये हमारा रनिंग वाइंडिंग हो गया और दो जो ब्लैक है वो हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग हो गया। अब हम वायर का पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग है और कौन सा रनिंग वाइंडिंग है। तो आप एक बात याद रखिएगा दोस्त, जितना भी आपको ब्लैक कलर का वायर दिखाई देगा तो हमेशा वो स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है और जो रनिंग वाइंडिंग होता है दोस्त वो उसमें हमेशा ब्लैक कलर छोड़ के जो भी कलर आपको वायर दिखाई देगा दोस्त वो रनिंग वाइंडिंग होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू कलर का वायर यूज किया गया है और जो ब्लैक है ये हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर हो गया, जो ग्रीन है दोस्त वो रनिंग वाइंडिंग हो गया। ठीक उसी प्रकार से इस वाले फैन में भी देख सकते हैं दोस्त यहाँ पर ब्लैक है वो हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग हो गया और जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है दोस्त ये हमारा रनिंग वाइंडिंग हो गया। तो आप किसी भी पंखे का वायर देख के पहचान कर सकते हैं दोस्त कि इसका रनिंग वाइंडिंग कौन है और स्टार्टिंग वाइंडिंग कौन है। अब हम कनेक्शन करने के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं दोस्त दो जो हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग हो गया और रेड वाला रनिंग वाइंडिंग हो गया। जब हम कनेक्शन करते हैं तो एक वायर हम स्टार्टिंग वाइंडिंग से लेते हैं और एक रनिंग वाइंडिंग से लेते हैं। जैसे कि आप बगल वाले फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ब्लैक वायर है और एक रेड वायर है, यानी एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का हमने तार ले लिया है और एक रनिंग वाइंडिंग का तार लेके एक जगह पे ट्विस्ट कर दिया है। तो इस प्रकार से दोस्त जो है एक कॉमन पॉइंट बन गया है, यहाँ पे हम न्यूट्रल वायर कनेक्ट करते हैं। बाकी दो वायर एक हमारा रेड कलर का और एक ब्लैक कलर का जो बच जाता है यहाँ पे ये देख सकते हैं दोस्त ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर का दो वायर होता है। तो ये दोनों कैपेसिटर का वायर हम एक रेड में और एक ब्लैक में जोड़ देंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्त ये हमारा रेड और ब्लैक जो है अलग अलग है, इसमें का एक रेड और इसमें का एक ब्लैक वायर हमने यहाँ पे कनेक्ट करके एक कॉमन पॉइंट बना दिया है। अब ये जो कॉमन पॉइंट होता है दोस्त यहाँ पे हम न्यूट्रल कनेक्ट करते हैं और बाकी दोस्त जो कैपेसिटर का दो तार होता है एक हम रेड वाले में जोड़ देते हैं और एक ब्लैक वाले में जोड़ देते हैं। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं हमने क्या किया है दोस्त, ये जो रेड और ब्लैक एक जगह पे हो गया ये कॉमन पॉइंट हो गया, यानी यहां पे हम न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर देते हैं और बाकी जो एक हमारा ब्लैक वायर और एक रेड वायर जो दोनों बाकी है दोस्त वहां पे हमने इस कैपेसिटर का तार जोड़ दिया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं तो एक कैपेसिटर का तार हमने ब्लैक में जोड़ दिया, एक कैपेसिटर का तार हमने रेड वाले वायर में कनेक्ट कर दिया। अब हमारा इसमें जो बाकी रहता है दोस्त वो है सप्लाई देना। ये जो पॉइंट होता है दोस्त यहाँ पे हम न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं और ये जो कैपेसिटर का तार जिसमें दो एक रेड में और ब्लैक में जोड़ा गया है यहाँ पे मुझे सप्लाई देना रहता है। तो जो न्यूट्रल वाला तार होता है डायरेक्ट यानी ब्लैक कलर का जो हमारे बोर्ड से सप्लाई आता है हम डायरेक्ट इसमें जोड़ देते हैं और एक रेड वाला जो वायर हमारे हाथ में रहता है जो बोर्ड से आता है इसको हम एक बार या तो ब्लैक वाले में लगा के देखेंगे और एक बार या तो हम रेड वाले में लगा के देखेंगे। तो अगर हम ब्लैक वाले में लगा देखेंगे दोस्त ये जो पंखा हमारा उल्टा दिशा में घूमना लगेगा, यानी घड़ी के उल्टा दिशा में घूमने लगेगा और रेड वाले में जब हम कनेक्ट करेंगे तो घड़ी के दिशा में हमारा पंखा चलने लगेगा। तो दोस्त जो हमारा पंखा चलता है वो घड़ी के दिशा में घूमना चाहिए, यानी पंखा का जो ब्लेड होता है दोस्त वह घड़ी के
दिशा में घूमना चाहिए। घड़ी जिस तरह से घूमती है उसी तरह से घूमना चाहिए। वायर आपके हाथ में रहता है, अगर आप ब्लैक वायर में जोड़ देते हैं तो पंखा जो है उल्टा चलने लगता है, और उस कंडीशन में आप यहां से आपको तार को छुड़ा के इस रेड वाले वायर में जब आप कनेक्ट कीजिएगा तो पंखा आपका सीधा चलने लगेगा, जैसे कि आप इस वाले डायग्राम में देख सकते हैं। दोस्तों यहां पे एक रेड और एक ब्लैक को हमने कॉमन कर दिया, यहां पे हम न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर सकते हैं, और एक कैपेसिटर के तार हमने ब्लैक में जोड़ा है और एक कैपेसिटर के तार हमने रेड वाले वायर में जोड़ा है। तो जो हमारे बोर्ड से सप्लाई आ रहा है फेज और न्यूट्रल, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं दोस्त, एक हमने कैपेसिटर का वायर जो एक ब्लैक में जुड़ा है और एक रेड में जुड़ा हुआ है, तो रेड वाला वायर हमने रेड वाले में जोड़ा है और ब्लैक वाले हमने फ्री छोड़ा है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं दोस्त। ये जो हमारा न्यूट्रल हो गया डायरेक्ट यहाँ के कॉमन पॉइंट पे जुड़ गया है, यानी एक रेड और एक ब्लैक जो एक जगह जुड़ा है यहां पे हमने ब्लैक जोड़ दिया, बाकी हमारा एक वायर बच गया रेड वाला। तो हमने क्या किया है दोस्त, ये कैपेसिटर का जो एक तार हमने रेड में जोड़ा है और एक ब्लैक में जोड़ा है, तो ये जो बोर्ड से तार आ रहा है दोस्त इसको हमने डायरेक्ट रेड वाले वायर में जोड़ा हुआ है। रेड वाले में जब वायर में हम जोड़ेंगे दोस्त तो हमारा पंखा है वो सही दिशा में यानी घड़ी के दिशा में घूमने लगेगा। यही वायर दोस्त अगर आप इस ब्लैक वाले में जोड़ देते हैं तो पंखा आपका उल्टा चलने लगता है। कैपेसिटर का तार जहां पे जुड़ा है दोस्त वहां पे आपको ये फेज वाला सप्लाई देकर देखना पड़ेगा कि किस में हमारा पंखा सही चल रहा है। यहां पे दोस्त एक और बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्त, कि जो कॉमन पॉइंट और एक और कैपेसिटर का जो रेड वाला वायर कनेक्ट किया जाता है दोस्त, आप यहां पे फेज दे सकते हैं या न्यूट्रल दे सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि आप यहां पर न्यूट्रल देंगे तभी पंखा चलेगा या पंखा जल जाएगा, तो इस तरह का कोई डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए। आप कोई भी वायर जो दोस्त कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट कर सकते हैं, यानी यहां पे कोई भी, चाहे तो आप फेज दे सकते हैं और चाहे तो आप न्यूट्रल दे सकते हैं। अगर यहां पे फेज दीजिएगा तो यहां पे आपको न्यूट्रल कनेक्ट करना पड़ेगा, अगर यहां पे आप फेज दीजिएगा तो न्यूट्रल आपको यहां पे कनेक्ट करना पड़ेगा, और एक वायर जो दोस्त आपका रह जाएगा वो इसी तरह से कॉमन हो जाएगा। इसमें टेप मार दिया जाता है, इसमें कोई कनेक्शन नहीं किया जाता है, यानी एक वायर आपका कॉमन पॉइंट पे जुड़ जाएगा और एक रेड वाले वायर में जुड़ जाएगा, और ब्लैक वाला जो वायर है दोस्त वो आपका फ्री रह जाएगा। ये इसी तरह से रहता है, इसमें कोई वायर कनेक्ट नहीं किया जाता है, इसमें टेप सिर्फ मार दिया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।